अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रैली जबरदस्त रही है सर, हजारों लोगों की भीड़ और आपका भाषण, मजा आ गया। पब्लिक तो पागल ही हो गई आपको सुनकर। ये देखो। जी हाँ दोस्तों, तो सुना आपने, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 2000 मुजफ्फरपुर सदर के विधायक और आगामी चुनाव के उम्मीदवार श्री राजीव नारायण चंदेल अपने वादे पे खरे उतरे। 2000 घरों में गैस की कनेक्शन लगवाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आप जनता के सच्चे सेवक हैं सर, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। ये तो होना ही था सर। अच्छा सर, हम चलते हैं। राजीव बाबू क्यों? हम बहुत ही खुश हैं। वाह, गैस वितरण के समय हम वहीं खड़े होकर सब देख रहे थे। सब इतने खुश थे कि सबको खुश देख के हमारे आंख में आंसू आ गया। सब आपके नाम का नारा लगा रहे थे बाबू। मन एकदम गदगद हो गया हमारा। बहुत खुश हैं आज। तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुमने इस काम में क्या किया है। अरे हमारे पास शब्द नहीं है तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब बोले बाबा का कृपा है। इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस नर्स के बारे में कुछ पता चला? ओके, ठीक है ठीक है। अरे की बातें, काम पे काम करवाते गए हमसे, दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिया हमारा, पागल कर दिया हमको। युवा की बात सुनो, आई को कुछ है जो बहुत जरूरी बताना है यू से, कुछ बहुत जरूरी है। यू का मंसू, यू का ये इनको कमरा मिले। क्या हो रहा है? नहीं सर, नहीं। बाबा ये वही नर्स है जिसके बारे में कू ने जिक्र किया था, कुछ बात कहना चाहती थी एक कू से, लेकिन अचानक से ये हॉस्पिटल से लापता हो गए। हमारी पुलिस ने ना सिर्फ इनको ढूंढ निकाला बल्कि जिस जगह में ये कैद थी वहां से भी इनको छुड़ा लाया। पहले तो ये इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन फिर इंस्पेक्टर साहब की बात हमसे और कू से हुई और हम दोनों को ये लगा कि हॉस्पिटल में इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम इस नर्स को यहाँ घर लेकर आए। तो बाबा जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ये यहीं रहेंगी। बाबा पता भी चल जाएगा कि ये पू से क्या बात करना चाहती थी। गुड गुड, ठीक है तो हम उनको राजीव बाबू एक फाइल, चलिए आइए। एक ही नाम रह रहकर बोल रही हैं, कुहू कुहू। बेटा बहुत अच्छा किया तुमने इनको यहाँ लाकर। बिल्कुल सही फैसला। वो औरत जिसने इनको किडनैप किया, वो जो कोई भी है, एक बार फिर जरूर इनको किडनैप करने की कोशिश करती। हॉस्पिटल में रहना इनके लिए सेफ नहीं था। पर वो औरत थी कौन जिसने इनको अगवा किया? जो भी थी वो नहीं चाहती थी कि नर्स मैडम हमसे बात करें।
मौसी जी, आपका तबीयत तो ठीक है? यस यस, ऑल फाइन। वो सुबह से आई, ने कुछ खाया नहीं है ना, तो बीपी बीपी लो हो गया शायद। अभी इसी बात काम होना चाहिए। आपकी मदद करो। ओके ओके, रिलैक्स, आराम से। एक काम करो, एक से पांच उल्टी गिनती करना शुरू करो। चल। नो 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 नो, आई ब्रीथ नहीं कर पा रही हूं बेबी, अब काउंटिंग नहीं कर सकती, प्लीज डू समथिंग। चलो ठीक, तुम नहीं कर रही तो हम गिनती करते हैं। पांच, चार, तीन, दो, एक। इस बिजली को भी अभी जाना था। बिजली, आप फिक्र मत कीजिए, हम जाके चेक करते हैं, शायद कोई फ्यूज उड़ गया होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। दादा, ये वीडियो देखा आपने? इनका कहना है कि जहां एक तरफ राजीव चंदेल ने ढाबा कॉलोनी सेतपुरा में गैस और पानी की समस्या दूर की, वहीं ठीक दूसरी तरफ उसके पड़ोस के इलाके गैस और पानी से महरूम है। ये सरासर पक्षपात है। यहाँ तक कि राजीव जी ने इन इलाकों का दौरा भी नहीं किया और इसलिए इन लोगों ने इसके विरोध में राजीव चंदेल के घर की बिजली काट दी। ये क्या बात हुई? विरोध करने के चक्कर में हमारी घर की बिजली काट देंगे इन लोग? अरे कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? हम अभी घर की बिजली बहाल करते हैं। संजीव, तुम जाओ और पुलिस में इन्फॉर्म करो, अरेस्ट करवाओ इन बदमाशों को। संजीव बाबू, ये ठीक नहीं है। उनका विरोध करना जायज है। एक इलाके में बिजली पानी गैस सब कुछ है, दूसरे इलाके में कुछ हो नहीं, ये तो गलत बात है ना। और उस पर से पुलिस का कार्रवाई तो गलत बात है ना। ये समस्या का हल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र में लोग बिना बिजली पानी के रहेंगे ना, वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। आपको सब पक्षपाती कहेंगे। जाके समस्या का हल कीजिए। क्यों नहीं किया है तुम्हें? हाँ मौसी जी, पैसे देकर रुकौली के लोगों को राजीव के खिलाफ भड़का दिया, पैसे देके चंदेल भवन की बिजली कटवा दी। हम तो कहते हैं यही मौका है, सभी लोग अंधेरे के चक्कर में बौखलाए हुए हैं, तब तक हम वहाँ जाकर नर्स का काम तमाम कर देते हैं, ठिकाने लगा देते हैं उसको। आपको बिजली का जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, ये वेंटिलेटर और बाकी मशीन नहीं चली तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम चालू करते हैं बिजली कैसे? देखिए, ये होश में आने की कोशिश कर रही है, मगर बिना सपोर्ट सिस्टम इनको होश में बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी कीजिए, लाइट स्टार्ट करवाइए। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, बिजली बिजली चालू हो जाएगा, हम जाते हैं। तुम बैठो, हम इन्वर्टर ऑन करके आते, बैठो तुम। देखा आंसू, बिजली काट के भी कोई फायदा नहीं हुआ, राजीव गया इन्वर्टर ऑन करने, आप इसको होश आ जाएगा। भागने बड़बड़ाने लगेगी औरत। हाँ, आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमने नहीं सोचा होगा इन्वर्टर के बारे में? ये सब कैसे हो गया? ये तार, हमने इन्वर्टर की वायर काट दी और बैटरी भी खराब कर दी, बिना नई बैटरी के ये इन्वर्टर चलेगा नहीं। नर्स कल की सुबह नहीं देखेगी, बिना इलाज के आज रात ही खत्म हो जाएगी और इसके साथ खत्म हो जाएगा कनक का भेद,
कुहू का साज। देखिए तो से नैना मिलाइके के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।